हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट वीडियो पोस्ट किया है, थक गया यार, डेली ब्लॉग बनाते बनाते। तो भी डेली ब्लॉग तो कंटिन्यू करना ही है हमको, और आज का काम ख़त्म, अभी दूसरी वीडियो बनानी है कल के लिए। तो फटाफट रेडी कर रहा हूँ मैं। City lights on the other side, you calling me up at the same time I'm in the day. तो चलते हैं फटाफट वीडियो बनाने। ए चेंज स्प्रे क्या कर रहा हूँ गाड़ी पे, इधर आ जा फटाफट, चल वीडियो बनानी फटाफट फटाफट। तो गाइस, चेन स्प्रे और एस10, तो आज इसका ही कुछ प्लान है। तो गाइस, आज का वीडियो है पेडेक्स 10 के ऊपर, कि स्टैन कहाँ से मैंने बाय किया और कैसे लगता है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो पहले लगा के दिखाता हूँ कैसे लगता है पेडेक्स 10। तो ये ऐसे लगता है, पहले क्या करने का, इधर दो लेवल ले लेने का, लेवल मतलब ये यहाँ और यहाँ पर इसका इसका कितना गैप है उतना साइज उतनी साइज का ही फिटिंग करना पड़ेगा इतना ये बोल्ट, उसके बाद वो ऐसे आ जाएगा ऐसे, इधर रखने का, इधर होल्ड होल्ड करना, उसके बाद उसको प्रेस, तो बाइक को और कर देनी स्ट्रेट ऐसे सीधा, और इसके बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो गाइस, ये कुछ ऐसे आता है स्टैंड, आप देख सकते हो। और गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे यही है कि आपको वॉश करने में आसानी होगी, और मेन चीज़ चेन आप आसानी से क्लीन कर सकते हो आसानी से। क्या होता है कि अभी बाइक ऐसी होती है सिंगल स्टैंड में, तो चेन साफ करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अभी आसानी से चेन क्लीन कर सकते हैं हम। तो मैं इसके लिए लाया हूँ, चेन क्लीन करने के लिए मैं स्टैंड लाया हूँ, कि आसानी से मैं चेन क्लीन कर सकता हूँ। चेन क्लीन नहीं होगी तो बाइक में बहुत आवाज़ आती है, आपको पता होगा इसके पास R15 इतनी है उसमें। और गाइस, मैं स्प्रे यूज़ करता हूँ ये वाला, कोई सा भी स्प्रे चलेगा, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड लगना चाहिए और ग्रीस जैसा, बस वही। तो मैं कुछ इस तरह से स्प्रे लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये स्प्रे मैं लाया था 120 रुपये में, लोकल स्प्रे है पर चलता है। वैसे भी मिट्टी वाला तो होने वाला है, चेन ख़राब होने वाली है, मतलब कि मैं हर 3 दिन में स्प्रे लगा लेता हूँ बाइक पे। चेन स्प्रे हर 3 या 2 दिन में कर लो, आप डेली बाइक लेके घूम रहे हो तो, क्योंकि चेन स्प्रे करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बाइक एकदम स्मूथ चलती है, बहुत स्मूथ। तो मैं चेन स्प्रे हर 2 दिन में कर देता हूँ, ये मेरे पास 3-4 पड़े ही है ऑलरेडी चेन स्प्रे, मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ। कुछ ऐसी हो जाती है चेन एकदम स्मूथ, देखो अभी मैं देखो घुमा रहा हूँ, देखो आवाज़ भी नहीं आएगी, देखो इतना स्मूथ है मेरी चेन। तो मैं मुझे ऐसे ही पसंद आता है। तो आप भी अपनी चेन ऐसी एकदम क्लीन रखें। मैंने स्टैंड अमेजोन से लिया था 2000 में, तो आप भी मंगवा सकते हो, मैं इसका फोटो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके बाय कर सकते हो। इसका मटेरियल देखो, मतलब कि इसका मटेरियल बहुत मस्त है, मतलब पूरा हैवी है, कोई सी भी बाइक चलेगी आपकी, ड्यूक है, KTM है, R15 है, कोई सी भी बाइक हो, सब में स्टैंड लग जाएगा आसानी से। इसकी साइज के मुकाबले इसको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब कि एडजस्टेबल है, कर सकते हो आप दोनों ऐसे एडजस्ट करके, आपको सिर्फ प्रेस करना है, अपने आप बाइक ऊपर आ जाएगी स्टैंड के। तो ऐसे ही कुछ होता है, सकते हो आपके घर पे पड़ी रहेगी तो भी लुक बहुत मस्त आएगा, ऐसे होता है कुछ, देखो ऐसे आ जाएगा स्टैंड ऐसे,
बाइक भी मस्त लगेगी ऐसे स्टैंड में खड़ी होगी तो आप आसानी से काम कर सकते हो। इसके लिए स्टैंड जरूरी है, अच्छा है, क्योंकि देखो साइड स्टैंड रहेगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, एक एक ये होगा तो काम करने में मज़ा आएगा। तो फिर स्टैंड को कैसे निकलते हैं, कुछ इस तरह निकाल के पहले इसको ऐसे कर लो स्टीयरिंग, और इस सिंगल स्टैंड ऐसे कर लो, बाद में देखो इजीली निकल जाएगा, ऐसे खींचना है तो ऐसे निकल जाएगा। ये स्टैंड लगा देना पहले, लेकिन स्टैंड नहीं लगा तो बाइक नीचे। ऐसा मुझे स्टैंड के बारे में बताना था और आपको बता दिया मैंने कि चैन को कैसे केयर करते हैं। चैन हमेशा क्लीन रखो, बाइक स्मूथ चलेगी। तो गाइस मेरी वीडियो में आप सब कमेंट करते हो, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई भी देता हूँ, और इंस्टा पे भी बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। जो कि आपके बाइक में क्या मॉडिफाई करवाना है, मैं आपको अच्छा सजेशन दूंगा कि आपके बाइक पे क्या अच्छा लगेगा, तो मुझे मैसेज करते रहना, मैं आपको सबको रिप्लाई दे दूंगा। एक बात की मेरी 4K फैमिली होने वाली है बहुत जल्द, तो थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।